क्या नाम बोला आपने गाड़ी का? टोयोटो हाइलक्स। टोयोटो हाइलक्स, हाइलक्स। तो हमारे साथ जुड़े हैं टोयोटो हाइलक्स के जो मालिक है। बेसिकली आप कहाँ से सर? मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। और ये इंडिया में, आपने कहा कि इंडिया में ये पहला स्ट्रक्चर है जो टोयोटो हाइलक्स पे कैरावैन बनाया है। अच्छा। और वो भी एल्यूमिनियम बॉडी में बनाया है। अच्छा। यहाँ पे कोई MS का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम इस्तेमाल किया, जैसे कि बाहर का टेबल है या पीछे का स्टोरेज है, वो खाली MS में बनाई है। पूरी बॉडी एल्यूमिनियम में बनाई है, इसलिए लाइट वेट है। दिस इज लाइक अर्थ रोमर डिजाइन इन सम अदर कंट्रीज लाइक USA। और इसमें अंदर से जो लगा है ये प्लाईवुड नहीं है, दिस इज ACP। अच्छा। दिस इज ACP मटेरियल। सो इस टाइप की कैरावैन इंडिया में बहुत कम है, लोग फोर्स ट्रैवलर में बनाए हैं। लगभग वर्तमान में इसकी कीमत कितनी होगी? ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी अराउंड 25 लाख है। अच्छा। और गाड़ी की कीमत अलग से जो भी टोटल मिला के कितना है? गाड़ी की कॉस्ट अभी समझो कि 40 लाख तक जाती है ये। अच्छा। तो और 25 ये, तो 65 लाख तक जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें ये पूरा 1 BHK अपार्टमेंट जैसा हो जाता है, इसमें AC है, टॉयलेट है, टॉयलेट भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बेहतरीन, आप देख सकते हैं। और मैं स्प्रे लगा के देखा था। जी जी जी, ये टॉयलेट के लिए स्प्रे है, बहुत बढ़िया प्रेशर है, बहुत जबरदस्त चलता फिरता। हाँ, ये वॉल बेसिन है जी, इसमें ऑटो स्टॉप मोटर है, जैसे अच्छा। चालू करेंगे तो चालू होता है, बंद करेंगे। यहाँ तो AC लगा है और यहाँ पर सामान रखने के है, और ये आराम से दो आदमी के लिए बेड है, और यहाँ पर बैठ के दो आदमी आराम से यहाँ पर। और ये किचन है, ये भी एक्सटेंड होता है, ये किचन है, ये इतना बड़ा हो जाता है। तो दिस इज टोटल 5 फीट किचन, ये यहाँ पे वेजिटेबल्स रखे हैं अभी जी। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जॉस्ट फैन है, ये एग्जॉस्ट फैन है। अच्छा। जो इन्वर्टर चालू करेंगे तो एग्जॉस्ट भी ऑन। आपका शुभ नाम क्या बोला सर? मैं डॉक्टर राजेंद्र गांडे। कहाँ से? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा, सुबह का विजिट। और ये पूरा ऊपर स्टोरेज है सामान के लिए। जी जी, बहुत। ये अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूं, किचन के स्टोरेज के पूरा सामान है, आप आराम से जो है। और ये जो पूरा, है पूरा इंडिया कपड़ों के लिए रखा है, पूरा इंडिया घूम सकते हैं इस गाड़ी के साथ, जो है इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी आप गाड़ी लेके ऑस्ट्रेलिया में वगैरह घूम सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर ये भी एक स्टोरेज है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और ये इधर आ जाओ, यहाँ पे ये एक डाइनिंग टेबल जैसा है, ये बहुत खूब, मतलब यहाँ पे बैठ के हम कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में चार्जर है, आपको USB दिया, यहाँ पे USB। अच्छा, इसमें गाना सुनना हो तो कोई ऐसी सुविधा है जैसे सॉन्ग सुनना? नहीं, इसमें मैं गाना सुनने या TV का फैन नहीं हूँ, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। अच्छा अच्छा। अदरवाइज यू कैन पुट अ फैन, यू कैन पुट अ TV। जी जी जी, राइट। बट TV मैं घर पे भी नहीं देखता, मेरे घर में भी TV नहीं है। बहुत अच्छा। ओके, मेरे घर में भी TV नहीं है, ठीक है सर, इसलिए मैंने लगवाया नहीं। मेरे पास बस एक ब्लूटूथ स्पीकर है, कभी जरूरत पड़े तो वो लगा देता हूँ। ये जो है सोफा बन जाएगा, ये निकाल के बस हमको यहाँ पे डालना होता है। ये भी बेड बन गया है, पूरा एक 6x2 फीट का ये बेड बन जाता है, आराम से बेड बन जाता है। ये किचन का फ्लैप है, इसको ऊपर करके रात को सोने के टाइम पे यहाँ पे तीसरा बंदा भी सो सकता है। बहुत खूब, बहुत। और ये जो है ये बैकरेस्ट बन जाता है इसका। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अगर आपको बस दो बंदे को ही खाने के लिए बैठना है तो ये आपका, तो आप इसका सोफा बना सकते हैं। बहुत खूब। और इसका भी सोफा बना सकते हैं। बहुत खूब, लाइक दिस। ये बन गए दो सोफे, और ये बन गया आपका टेबल। तो एक बंदा सामने बैठ के आप भी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा। मेरा नाम सर राम भगत नेगी। अच्छा, ये सोलर सिस्टम से सारी, ऊपर सोलर है, इन्वर्टर है, इसके नीचे दो बैटरी है, 100 AH के दो बैटरी है, 200 AH। जी, अभी वो इन्वर्टर ऑन किया तो आपका एग्जॉस्ट चल रहा है, और नीचे आपका फ्रिज चल रहा है। फ्रिज तो वैसे भी चल जाता है, फ्रिज आप देख सकते हो खुला ही है। अच्छा, फ्रिज अभी 6 टेम्परेचर है इसमें। अच्छा, इसमें इतना सब कुछ मटेरियल है। अच्छा, ये सब्जियां वगैरह सब कुछ है इसमें, दूध दूध भी सब कुछ रखा है।
आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि वाकई ठंडा है। सारा सिस्टम जो है इसमें सोलर से बना हुआ है, सोलर लाइट का उपयोग होता है इसमें, बहुत बेहतरीन। जो और गाड़ियों में जो सॉकेट होते हैं ना, इससे सिगरेट लाइटर जैसे पॉइंट जी, वो 12 वोल्ट के होते हैं, इसमें 24 वोल्ट का सिस्टम बनाया है। अच्छा, तो दोस्तों देख रहे हैं आप ये टोयोटा हाइलक्स गाड़ी सामने, आरामदायक गाड़ी, इसमें सारी सुविधाएं हैं। और ये सामने अलग से जो गाड़ी है इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं टेंट जैसा बनाए सोने, तो साहब आप बहुत मतलब खुशकिस्मत वाले हैं कि आप सुखी हो और आपके पास ये जो आपकी गाड़ी है गाड़ी हाइलक्स कैरावन, और जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं जो है इसमें आपने रखा है। तो ये कहते हैं ना कि अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए होते तो भगवान जो उसको सुख सुविधाएं देता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में लेकिन असफल हो रहे, आत्महत्याएं कर रहे हैं, है ना, सुसाइड कर रहे हैं या नशे की ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? या मेरा कहना ये है कि ज़िंदगी कोई मतलब होता ही नहीं है, बस इस लाइफ इस दुनिया में हमको आना है, ये लाइफ एक ट्रैवल है और एक दिन जाना है। यहाँ पे हमको लगता है ये लैंड मेरी है, ये घर मेरा है, ये कुछ भी नहीं तुम्हारा नहीं है, आप जाने के बाद ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो जो भी करना है ज़िंदगी में वो सोच समझ के करो कि तुम्हारा मकसद क्या है। अगर ऐसा सोचेंगे तो कोई मकसद होता ही नहीं है, मकसद एक ही होता है, अपने बच्चे अच्छे उठ जाए, बड़े हो जाए, और उसके बाद में तो फिर कोई फ्लैट लेता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है। तो मैं कहूँगा एक गाड़ी ले लो और घूमो दुनिया, दुनिया देखो क्या भी देखना। देखिए आप भी इस प्रकार का सुख सुविधा के लिए जो मैंने इसमें आपको दिखाया है कि आप इस प्रकार का जो है गाड़ी लीजिए, आराम से सुख चैन जो है व्यतीत कर सकती है, जीवन के पचड़ों से निकली, है ना, ओशो के विचारों को सुनिए क्या कहता है वो, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छा एजुकेशन ले लो, अच्छा करियर कर लो, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदना छोड़ दो, एक प्रॉपर्टी ऐसी खरीदो जो आपको एंजॉयमेंट दे। आपके पास होंगे दो फ्लैट होंगे, चार जमीन के टुकड़े होंगे, वो आज आपके कुछ काम के नहीं है। आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, सच में पूछ रहा हूँ कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है आप उसका कितना यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ही पता चलेगा कि हम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे ज़्यादा, बस कागज़ पे प्रॉपर्टी पड़ी जी। फिर भी एक माता पिता की इच्छा होती है, ये जो है अचल संपत्ति है, प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति, तो जो पुश्तों तक चलता रहता है, इस पर कुछ कहेंगे सर? हाँ, पर सभी अचल संपत्ति 80% लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास एक रुपया है तो उसमें से 80 पैसे तो अचल संपत्ति में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा हिस्सा इसमें भी इन्वेस्ट करके आप दुनिया देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर कुछ बोल रहे थे आप?